पानी आ रहा था तो कुछ कपड़े थे, कपड़े धो दिए मैंने। हम डे टू डे के कपड़े खुद ही धो लेते हैं, मशीन बहुत कम लगाते हैं, गर्मियों में था उसका। जैसे बेडशीट धोनी है और जीन्स धोनी है तो मशीन का यूज़ करते हैं। और वैसे भी आप हर दिन कपड़े चेंज करते हो तो इतने गंदे भी नहीं होते। तो सर्दियों में, हाँ सर्दियों में मशीन ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि वुलन कपड़े होते हैं और वो टाइम लेते हैं सूखने में। अभी तो आधे एक घंटे में हवा से ही सूख जाते हैं। तो बस अभी कपड़े धोए हैं, इसके बाद चाय पीऊँगी शाम की। क्या बन रहा है किचन में? आज बन रही है तोरी का काप। तोरी का काप, काप बोलते हैं ना? तोरी का काप पहाड़ी सब्जी है, पहाड़ी स्टाइल में। से हर तरह के लोग बनाते हैं इसको, मैं लेते थे। ये एक जोस बंद कर दो ना, और इसको कुकर में, वैसे लोग तो इसे कढ़ाई में बनाते हैं। हाँ, पर मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे गैस की बचत होगी। एक सीटी लगेगी, दो सीटी लगेगी और ये पक जाएगी। और जो बेसन डालेगी? अब बेसन, हाँ तो बेसन कुछ नहीं होता। अरे तो बेसन वो सीखे से बाहर नहीं आएगा? नहीं, इससे नहीं आता। वो यहाँ गिर गया, ये गिर गया पीछे टमाटर, इसमें नहीं आएगा बेसन। क्योंकि इसमें अभी बेसन को मसाले के साथ थोड़ा सा उसको वो कर लूँगी, पका लूँगी, फिर उसके बाद पानी डाल के नहीं आता। अच्छा, अगर आप वैसे तो वो और भी चीजों में डाला जाता है। पर मैंने कहा कि चावल काटा तो यहाँ है नहीं, इसलिए मैं इसमें हमेशा बेसन डालती हूँ। और चावल काटे का तो पता भी नहीं है मुझे। चावल काटा है वैसे है, पर वो डालूंगी नहीं, नहीं पता उसका कि कैसे वो। हाँ, उसका भी पता है, इसका तो मुझे पता है। और पता है क्या, बेसन डालने से ना जो सीख हो जाती है, हाँ गाढ़ी भी हो जाती है। और हमें तो तोरी तरीदार अच्छी लगती है चावल के साथ, सूखी भी बनाते हैं। पर चावल में खाने के लिए, और क्योंकि रात को, वैसे तो हम रात को चावल खाते हैं ना, ये कह लो कि चावल का, हाँ हम रात को ही खाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से खा रहे हैं क्योंकि फिर ऑफिस जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं तो है ना। हाँ, तो दाल रात को कम खानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जियों का यूज करना चाहिए क्योंकि सब्जी में क्या नहीं होता, क्योंकि दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है तो रात को प्रोटीन पचाने में मुश्किल होती है। हाँ, डाइजेस्ट करना उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि दिन में दालें खा लो। और कभी कभी खाया जा सकता है, ऐसे तो हम भी बना लेते हैं। हाँ, पर कभी कभी वो भी दाल कौन सी बना रहे हो, छिलके वाली बना रहे हो, मूंग की बना रहे हो या चने के साथ मूंग डाल रहे हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमें भी बहुत लेट पता चला था, मतलब बाद जब दर्द सर में दर्द होता था, घुटनों में भी, सर में भी, इससे दर्द बड़ा माइग्रेन का दर्द भी होता है अक्सर। आपने देखो जो जो ओल्ड पीपल होते हैं, नहीं बस हाँ बच गया है, मसाला डाल के क्या हुआ, क्या हो रहा है? बाहर निकला भी नजर आया। चलो सही है। आप हो गया मसाला तैयार? हाँ, देखो तो देखो ये कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया है। हाँ, पता कहाँ दिखा रही है ये रहा है ना। हाँ, अब उसमें सब्जी रखूंगी, इसमें बेसन पका के मसाला बना है अभी। गिर गई सारी, रख दे। हाँ सारी रख दे, है चलो बाद में देख सारी रख दूँ, देख ले। हाँ इतनी काफ़ी है, ज़्यादा खानी चाहिए सीजन में। हाँ।
सस्ती भी है और अच्छी भी होती है, स्वास्थ्य के लिए भी सही है। हाँ ये देखो, अभी कितनी सीटी लगाएगी? अभी 2-3 लगा दूंगी सीटी, इसमें थोड़ी सी अच्छी सी हो जाएगी ना, रस बनी सी हो जाएगी। पानी और डाल, हाँ क्योंकि बेसन पकेगा ना तो और ज्यादा वो हो जाएगा। बस बस देखो हो गई ना सब्जी अच्छी तैयार। पहाड़ी खाना हम ज्यादा बनाते हैं अपने घर में। नमक तो रखा ही नहीं मैंने, नमक रखा भी है। अरे नमक ज्यादा मत रखना। चलो तो हो गई तैयार। बड़ा धार देखा, मतलब ये इसकी मतलब पिटाई कर दो। चलो हो गया, ये देखो ये कुकर ने क्या किया, पहली सीटी ने क्या कमाल दिखाया। चलो अन्ना आप अपना सूप बनाओ। तो कैसे बनाओगे सूप? एक बाउल पानी ले। हाँ तो अन्ना अपना काम, अब थोड़ा थोड़ा काम, कुछ कुछ काम मैं इसको बोलती हूँ अपने आप करने के लिए। तो अन्ना बाबू अब इसे, ये क्या है, कौन सा सूप है ये? ये है स्वीट कॉर्न वेज। तो डाल दो इसमें, अब इसको नहीं नहीं वो छोड़ दो, ओहो अन्ना वो सूखा हुआ है, वो लिक्विड होना है। चलो हो गया, अब नेक्स्ट टाइम से मत करना। वो ड्राई है, उसमें क्या वो शैम्पू दो ना जिसमें आप पानी से निकाल रहे हो। चलो चम्मच से क्या हो, हाँ अभी से मिक्स कर दो। अच्छी तरह से जो भी इसके लम्स है ना ये नहीं रहने चाहिए। फिर गैस ऑन करो और सिम पे कर दो। तो अन्ना तोरी नहीं खाएगी, खा लेगी ऐसे मुझे पता है, ऐसा टेस्ट कर लेती है और वो सूप पिएगी और साथ में ब्रेड लेगा, ब्रेड लेगी क्रिस्पी ब्रेड, सूप के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है तो मैं अभी अन्ना के लिए ब्रेड सेक रही हूँ, वो सूप के साथ ब्रेड पसंद करती है। और देखो ये सब्जी तैयार हो गई बनके, तोरी का काफ अच्छी लग रही है ना, टेस्टी हो रही चटपटी। बस अब हम थोड़ी देर में खाना खाते हैं। सब्जी कैसी हो रही थी? ये चीजें हमारे जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, कई बार उसमें स्वाद नहीं देखा जाता, अपने हेल्थ को भी देखा जाता है, तो इसलिए हमें तोरी, लौकी, टिंडा, परमल, ये जो लौकी तोरी है गर्मियों की सब्जी, इसलिए क्योंकि खूब पानी में, मतलब पानी होता है इनमें, है ना, और ये आपके शरीर को ठंडा रखती है। और वैसे भी छोले भटूरे या जो चटपटी चीजें होती हैं वो तो एक फिल्म में आइटम सॉन्ग की तरह होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका टेस्ट तो होता है लेकिन उसको एक टाइम के बाद ज्यादा नहीं दिखाया जा सकता। हाँ उसके बाद आपको फिल्म के अंदर कंटेंट चाहिए, कहानी चाहिए। हाँ नहीं होगी तो आप फिल्म देखना बंद कर दो, एक आइटम के सॉन्ग से। वैसे ही कहानी का है, तोरी एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट है, बढ़िया कहानी है, आप खाओगे तो आपको अच्छी लगेगी। मन से खाओगे, मन से खाओगे।